दोस्तों, मैं कुछ सपाटे करने जा रहा हूँ। इसको किसी जगह पे जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सके, आप इसको करते हुए ये सपाटे कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम उठक बैठक करेंगे। सपाटे तो कर लिया, अब उठक बैठक करेंगे। बैठेंगे और उठेंगे। 1, 2, 3। आराम से करिए, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से आप जो है इसमें सपाटे कर सकते हैं। और ये दंड बैठक भी है और सपाटे भी है। इनको करने से आपके जो लेग मसल्स हैं, जो थाई मसल्स हैं आपके, या काफ मसल्स हैं, पैरों के मसल्स हैं, और आपकी कमर जो है, योर बैक बोन, दैट गेट्स स्ट्रेंथन्ड, ठीक है। और आपके जो शोल्डर्स हैं, ये आर्म में इन स्ट्रेंथ आती है। तो सपाटे करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है, हमने उठक बैठक किया, हम बैठे उठे बैठे उठे, तो इससे क्या होता है कि आपके ख़ास तौर पे जो काफ मसल्स हैं, जो थाई मसल्स हैं, नी मसल्स हैं, पैरों के मसल्स हैं, दे गेट स्ट्रेंथन्ड। तो इसको ज़रूर करिए और गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। और इसको अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आपको 40, 50, 60, 100 आपको करने हैं। इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद 5 or 10, देन मेंटेन इट फॉर नेक्स्ट 1 week और सो, फिर थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाइए, 5-5 करके बढ़ाते जाइए। पहले 5 करिए, फिर 10 करिए, फिर हर हफ्ते में 3-4, 3-4, 5 बढ़ाते जाइए, 20 करिए, 25, 50, और डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी आप इसको कर सकते हो। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इट गिव्स कंप्लीट फुल बॉडी एक्सरसाइज टू द बॉडी। लेकिन ये तब तक मत करिए जब तक आप फुल अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करिए। मैंने इससे किसको करने से पहले कम से कम भी 25-30 मिनट मैंने वॉकिंग की है, बेयर फुटेड ऑन दी ग्रास, जो एक पार्क है यहाँ पे। तो पार्क में हमने वॉकिंग किया 25-30 मिनट, वार्म अप किया अपने आप को, तब मैंने इसको किया। इसको मैं एक बार फिर आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। ये सपाटे है। 1, 2, 3, 4, पूरा इसमें जो एक्सरसाइज होती है आपकी टांगों की हो रही है, आपकी हाथों की हो रही है, कंधों की हो रही है, आपके जो स्पाइनल मसल्स हैं, बैक के मसल्स हैं, वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। लोअर बैक आपकी स्ट्रेंथन हो रही है, हिप्स आपके स्ट्रेंथन हो रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप थोड़ा सा उठक बैठक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
एट नाइन टेन। तो आपने देखा जैसे कि इसमें उठ बैठ करने से आपके जो लेग मसल्स हैं, आपके पैरों के मसल्स हैं, आपके थाई मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, नी मसल्स हैं, ये सारे आपके स्ट्रांग होते हैं। एंड टांगों का इसके मसल्स का, इसकी बोन का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसको करते हैं एंड इफ़ यू कीप ऑन डूइंग इट, योर लेग्स विल बी स्ट्रेंथन्ड। और लेग्स की एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है कि इट ड्राज आउट मैक्सिमम ग्लूकोज फ्रॉम योर बॉडी। तो आपकी, क्योंकि 50-60% कंजम्पशन जो है आपके पैरों के माध्यम से होता है, आपके काफ मसल के थ्रू होता है। ये अभी प्रूव भी हो गया है कि मैक्सिमम ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड फॉर दी काफ मसल्स है, थाई मसल्स है, योर होल लेग। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो भी कंट्रोल्ड में रहता है। एस्पेशली दोज पीपल हु हैव डायबिटीज़ आर दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डायबिटीज़, सच पीपल कैन डू इट वेरी वेरी इफेक्टिवली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। कम से कम इसको शेयर जरूर करें ताकि पीपल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। बट ये याद रखिए कि ये